पहली बार हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और अच्छा जन समर्थन है, क्योंकि हमारी शुरुआत है तो हम किसी चीज से घबरा नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपने चुनाव को मजबूत कर रहे हैं। जूता शोरूम में बिकता है और किताबें हमारी रोड पे बिकती है, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी मैं वार्ड नंबर 73 में हूँ और यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं अरुण तांग, तो उनके लिए यहाँ पर प्रत्याशी की जो है रैली निकल रही है और हमारे साथ है आजाद चंद्रशेखर रावण। तो सर, यहाँ पर अभी आजाद समाज पार्टी रैली कर रही है, क्या कुछ नया करेगी एमसीडी में? एमसीडी के मामले में पिछले लंबे समय से हमारे कैसे सर, हमारे लोग तो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बने हुए हैं, उनसे झूठे वादे होते हैं। हर बार चुनाव आते हैं उसके बाद वो वादे के साथ नेता भी हमारी बस्तियों में नहीं आते, हालात बस से बदतर हैं। गलियों में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उनका बुरा हाल है। एमसीडी के जैसे सबसे बड़ा मामला ठेकेदारी का है और ठेकेदारी के साथ साथ जिस तरह से जो है लेबर के साथ जो है उनको तमाम तरह का अन्याय का सामना करना पड़ता है, उस पर कोई कुछ बोलता भी नहीं है। और आज दोनों सरकारें जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या यहाँ की सरकार, कूड़े का बड़ा सवाल वो कर रही है कि हम कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। और जो लोग कूड़ा उठा रहे हैं उनकी ज़िंदगी में तो जो है आज बुरा हाल हुआ हुआ है, उनकी तरफ तो कोई नहीं देख रहा है, उनसे तो सिर्फ वोट ली जा रही है झूठ बोल बोल के, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपको कामयाब कर देंगे। आज भी उनके बच्चे मजबूरी में वही रोज़गार करने के लिए जो हैं मजबूर हैं जो रोज़गार उनके माता पिता करते थे। पहले वो सरकारी उस पर होता था, अब उसको ठेके की प्रथा पर ले आए हैं। 5-7 हज़ार रुपये देते हैं मजबूरी में कि वो उससे चाहे खा लें या अपने बच्चों को पढ़ा लें। तो हाल बस से बदतर है, गलियों में नालियों सड़कों के इतने बुरे हाल हैं, सीवर अटे पड़े हैं और जब ये साफ भी होंगे तो इनमें हमारे लोगों की जान जाएगी, मुझे भी इतना भरोसा है, क्योंकि यहाँ की सरकार तो आज तक सफाई कर्मी को इक्विपमेंट भी जो है ना सुरक्षा वाले वो भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। तो इसलिए अब हमारे लोगों ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी को उठाया है कि हम किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई जो है अपने कंधों पे लड़ेंगे। इन सारी सरकारों भरोसा करके देख लिया, वोट दे के देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आज़ाद समाज पार्टी के जरिए वो अपनी ताकत बनाने का काम कर रहे हैं। पहली बार हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और अच्छा जन समर्थन है, क्योंकि हमारी शुरुआत है तो हम किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने चुनाव को मजबूत कर रहे हैं। क्या हाल है मेरे सर? ठीक है, मैं ठीक। क्या हाल सर? चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि एमसीडी में अगर आपकी पार्टी आ जाती है तो आप क्या कुछ करेंगे इन जनता के लिए? देखिए, मैं पूरा रोड मैप हमारे लोगों ने बनाया है और रोड मैप को पेपर के साथ हम लोग दे रहे हैं कि अगर एमसीडी में हमें अवसर मिलता है और तो हम एमसीडी में जो अब तक नहीं हुआ और वो जिन समस्याओं की वजह से लोग जो हैं त्रस्त हैं उन सब समस्याओं पर काम करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो सफाई व्यवस्था है यहाँ की उस पर मजबूत काम होना चाहिए, लेकिन जो सफाई कर रहे हैं उनके लिए भी काम होना चाहिए और ठेकेदारी ख़त्म करके सरकारी नौकरी उन लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए। और जिस तरह से नौकरी ख़त्म होने के बाद भी उनको जो है पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है, उस पर भी जो है ना बुनियादी काम होने चाहिए। केजरीवाल जी जो है लगातार बोल रहे हैं कि भैया एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो बहुत कुछ करेंगे, बाबा साहब का नाम लेकर के जो पार्टियां आगे बढ़ रही हैं उस पर क्या कहेंगे? कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? इधर इधर आप इधर आ जाओ। बाबा साहब का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके काफी लोग जो है इनसे मिल रहे हैं, आम आदमी से भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। संविधान दिवस था कल हमारा, हमारे समाज को आज संविधान के प्रति जागरूक होना। मैंने ही आपकी बात ही करी, संविधान दिवस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चंद्रशेखर रावण जी आए हैं, दौरा कर रहे हैं, आम आदमी से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय श्री चंद्रशेखर रावण जी को मैं सशस्त्र प्रणाम करता हूँ। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, आज हमारा भारतीय दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज और जो मुस्लिम समुदाय ये हमारे साथ जागृत रहे, हमारे साथ अत्याचार ना हो, इसके लिए हमारे ये भाई जी हैं, ये संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे, हम सदैव इनके साथ रहेंगे। सर्वप्रथम तो हमारे को जागरूक होना चाहिए, हमारे को जागरूक, हम जागरूक, हमारी खुद की कमी है,
जागरूकता ही हमारा ना संविधान का सबसे सर्वप्रथम अध्याय है, यानी धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ और किताबें छोड़ दो। जूता शोरूम में बिकता है और किताबें हमारी रोड पे बिकती है, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे को है ना ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ भी नहीं देंगे, हमारे को पाठशालाएं देंगी, पाठशालाएं देंगे, हमारा संविधान ही हमारे को देगा। सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही होता है, शिक्षा रोजगार शिक्षा पे खेल किया है। और जो केजरीवाल साहब और बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब की फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब के विचारों को संविधान के उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा। आज भी भारत के अंदर हजारों लोग भूखे पेट सोते हैं, हजारों लोग बिना छत के सोते हैं, हजारों लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण मर जाते हैं। सरकारें सिर्फ वादे करती हैं, अब हम वादों पर भरोसा नहीं रख रहे। अब हमारे लोगों ने तय किया कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। हमने 72 साल भरोसा किया, हमें मिला क्या? अन्याय, अत्याचार, अपमान और जातिगत शोषण के अलावा क्या मिला? आम आदमी पार्टी जो है लगातार दावे कर रही है। आप नीचे दिखाओगे तो आपको एहसास होगा। स्कूल मॉडल जो है, शिक्षा मॉडल काफी बढ़िया बना दिया है। ये मन घड़त बातें हैं। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो बोल रहे हैं। हाँ, हम जागरूक इंसान है, शिक्षा है ना। ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने गटर भरा हुआ है। जो मैं अरुणा नगर में हूँ तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, उत्पन्न होती है डेंगू की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और हमारा जो वर्ग है वो इससे वंचित रहता है। हमारे को कहीं भी स्वास्थ्य चिकित्सा कहीं भी हमारे को प्रदान नहीं होती है। ये लोगों ने हमारे को मूर्ख बनाया पिछले 70 वर्षों से। आज हमारा समाज जागरूक हुआ है। जागरूक हुआ है क्या आपका समाज? हाँ जी, समाज जागरूक हुआ। मैं स्वयं, मेरा बेटा यूपीएससी कर रहा है, बाकी ना ये ब्राह्मणवादी नीतियों ने हमारे बच्चों को ना जाति के हिसाब से कोई भी नंबर नहीं। स्कूलों की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है, वर्ल्ड क्लास स्कूल। अगर नहीं बना सकते तो झूठ बोलना बंद करो। बाबा साहब का सपना, का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब का सपना साकार करेंगे। तब साकार होगा जब इस देश के अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं मिलेंगी जो अब अमीर लोगों को मिल रही है। हम यहाँ गुलाम नहीं है। मैंने फिर कहा, कूड़े की बात नहीं, कूड़ा उठाने वालों की बात भी करनी पड़ेगी, उनकी रोजी रोटी, उनके अधिकार की, उनके सम्मान की बात भी करनी पड़ेगी। और वो जो जिन हालातों में रह रहे हैं उन हर बस्तियों में जाके देखना पड़ेगा। हमारे लोग महलों में नहीं रहते, ये जो बीमारियां होंगी ना इससे हमारे लोग मरेंगे, और मरे हैं कोरोना में हमारे लोग। मेला ढोलना, बिजली पानी भी फ्री दे रही है, इसी पे भी हमें फ्री। हम कह रहे हैं ना, आप हमें हमारे अधिकार दो और हमें रोजगार दो, हम आपको पूरे जो है उसकी कीमत चुकाएंगे। जब यहाँ लोगों पे रोजगार ही नहीं है, लोग जो है तमाम तरह की परेशानियों से उनकी जेब खाली है, तो वो कहाँ से क्या करें? सरकार की क्या वो है? अंतिम व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान देना सरकार जिम्मेदारी, झूठ बोलते हैं फ्री दे रहे हैं, ये सब सरकार की जिम्मेदारी। सरकार होती किसके लिए? जनता के लिए तो होती है ना। तो क्या है जनता के पास? जनता तो आज भी जो है ना, आप बस्तियों में जाकर देखो, हजारों लोग पढ़े लिखे लोग घर पे बैठे हुए, क्यों उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? ये हमारा भारत का संविधान, बस ये संविधान हमें अधिकार देता है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। और आजाद समाज पार्टी अब तो अपना छोटा सा पेड़ अब बड़ा हो रहा है, ऐसा वृक्ष बन जाएगा, छांव देगा, और ये जो अन्याय हो रहा है इसको जड़ से खत्म करता है। बाबा साहब सपने को साकार करेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद थे, आजाद समाज पार्टी से और भीम आर्मी के चीफ। तो यहाँ पर आज दौरा किया, आपको तमाम मैंने बातों से रूबरू करवाया कि किस तरीके से अब जो है एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं अरुण टांग, उसके लिए यहाँ पर रैली निकाली गई है। तमाम लोग यहाँ पर एकजुट है और अब जो है बदलाव चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है, सत्ता में परिवर्तन चाहती है, एमसीडी परिवर्तन चाहती है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आपको मैंने दिखाया किस तरीके से कूड़े के ढेर हैं, रोड़े टूटी हुई है, सीवर भरे हुए हैं पानी से लबालब। 15 साल से बीजेपी की जो एमसीडी में सरकार है, अम्मा को आप देख सकते हैं कितनी उम्र की है, कितनी उत्साह दिख रहा है इनके अंदर। और यहाँ पर भीम आर्मी का यहाँ झंडा फहरा रही है। अम्मा आपकी उम्र क्या है? क्या उम्र है? 60 साल की है। 60 साल की अम्मा है, उत्साह आप देख सकते हैं। या तमाम लोग जो है रैली में मौजूद हैं, आपसे यहाँ की रोड़ों से भी मैंने रूबरू करवाया। अब सत्ता परिवर्तन चाहिए लोगों को, लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ने देश और पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। शिक्षा का मॉडल जो बता करके आज राजनीति में आए थे, आज उनका मॉडल ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं, तमाम लोगों से मैंने बात भी की और एक जनता जनार्दन जो होता है वो ओरिजिनल बात रखता है, और वहीं आपसे मैंने बात करवाई चंद्रशेखर रावण से।
तो यहाँ पर इस तरीके की रैली है और लोगों से भी हम जानेंगे और भी लोगों से मैं बात करूंगी। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा और अरुणा नगर दिल्ली।